हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी पर्सन के कॉन्टैक्ट नंबर को अगर आप अपना ईमेल आईडी में सेव करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कॉन्टैक्ट नंबर को ईमेल आईडी में सेव किया जाता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले मैं फायदा की बात कर लेता हूं, क्यों आप अपना ईमेल आईडी में किसी भी व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कीजिएगा, ठीक है। जैसे सो अगर आप अपना मोबाइल में किसी भी व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर को मोबाइल में सेव करते हैं या तो फिर सिम कार्ड में सेव करते हैं, तो इस कंडीशन में सो अगर आपका मोबाइल भी किसी कारणवश चोरी हो जाता है या तो फिर भुला जाता है या तो फिर गुम हो जाता है, तो उस व्यक्ति का नंबर भी दोस्तों चोरी हो जाएगा, गुम हो जाएगा या तो फिर भुला जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका फोन आपके पास नहीं होगा या तो फिर जो भी आपका फोन में सिम लगा है वो भी आपके पास नहीं होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके फोन में जो जीमेल होता है, ईमेल होता है, उसमें अगर किसी भी व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करते हैं तो दोस्तों आपको ईमेल आईडी आपको पता होगा, जब ईमेल आईडी को दूसरे फोन में लॉगिन कीजिएगा तो दोस्तों वहां पर आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, तो दोस्तों वहां इजी वे में आप कॉल कर सकते हैं या तो फिर उस नंबर को दोबारा से आप अपने फोन सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए दोस्तों किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर को ईमेल आईडी में ही सेव करके रखना चाहिए। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूं, ठीक है। तो सिंपल सो एग्जांपल के तौर पे यहां पे केवल नंबर कोई भी यहां पे टाइप कर रहा हूं और मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूं किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो चलिए यहां पे कोई भी एक 00 का नंबर मैं टाइप किया, उसके बाद देख सकते हैं डायरेक्ट पर मैंने टाइप कर दिया, जो भी आपके पास 10 डिजिट का नंबर होगा वो टाइप कीजिएगा। उसके बाद यहां पे न्यू कॉन्टैक्ट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद सबसे पहले यहां पे नाम लिखने के लिए आ जाता है, जो भी आपका नाम होगा, जिस व्यक्ति का नाम होगा वो यहां पे लिख दीजिएगा। उसके बाद फोटो वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहां से फोटो वगैरह लगा लीजिएगा, बस एज इट इज मैं बता रहा हूं। उसके बाद यहां पे मोबाइल नंबर तो आपका यहां पे आ ही जाएगा। उसके बाद अगर होम वगैरह बर्थडे उसका कब है अगर देना चाहते हैं दे सकते हैं, रिलेशनशिप बताना चाहते हैं बता सकते हैं, अदरवाइज नीचे केवल आपको आ जाना है। नीचे आएगा सबसे मेन पार्ट इसी को समझना है, यहां पर देखना चाहता है स्टोरेज लोकेशन। अभी देख सकते हैं क्या सेलेक्ट है, फोन सेलेक्ट है, इसका मतलब यही होता है जब मैं इस नंबर को सेव कर दूंगा तो ये मेरा फोन में सेव होगा, लेकिन फोन में सेव नहीं करना है, आपको ईमेल आईडी में सेव करना है। उसके लिए सो केवल आपको स्टोरेज लोकेशन पर आपको दोबारा सबको क्लिक करना है। जैसे सो इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहां पे आपके फोन में जितने भी ईमेल आईडी होंगे वो सब का सब यहां पे शो हो जाता है। जैसे कि मेरे केस में यहां पे शो रहा है, ऊपर में देख सकते हैं गूगल गूगल, उसके नीचे ईमेल आईडी शो होता होगा, उसके बाद देख सकते अभी फोन में सिलेक्ट है, ठीक है। तो सब में देख सकते हैं गूगल, उसके बाद यहां पर ईमेल आईडी शो हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए सो यहां पर जिस भी ईमेल आईडी में आपको सेव करना है वो ईमेल आईडी आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा। चलिए यहां पर मैं ईमेल आईडी सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। जैसे सो ईमेल आईडी आप सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद नीचे आकर एक बार कंफर्म हो जाइए, देख लीजिए यहां पर ईमेल आईडी यहां पे नजर आता होगा, जैसे कि जो मेरा ईमेल आईडी है वो यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है, ईमेल आईडी नजर आ गया। उसके बाद यहां पे जो भी आपको फिलअप करना है, नाम वगैरह लिखना है, सब कुछ यहां पे टाइप कर दीजिए। उसके ऊपर में देखिए यहां पे सेव का निशान, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सो इस पर क्लिक करेंगे तो फाइनली यहां पर सेव हो जाता है। अब सेव हुआ है आपके ईमेल आईडी में या नहीं वो पता करना है तो यहां पर नीचे देखिए नजर आता होगा नंबर के नीचे, जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर नंबर लिया था, नंबर के नीचे देखिए यहां पर गूगल का आइकन बना हुआ नजर आ जाएगा, गूगल यहां पर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो नंबर है वो आपके ईमेल आईडी में सेव हो गया, ठीक है। जब ईमेल आईडी में सेव हो जाएगा, अब क्या करना है, अगर आपका मान के चले फोन गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो आपको ईमेल आईडी पता होगा, तो जो भी आपके पास नया फोन होगा या तो जो भी जिस फोन में आप ईमेल आईडी लॉगिन कीजिएगा उस फोन में डायरेक्ट ऑटोमेटिक आपका ये नंबर बैकअप हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कोई भी घबराने वाला बात नहीं होगा कि मेरा फोन चोरी हो गया तो नंबर भी चला जाएगा, तो ऐसा नहीं, ईमेल आईडी में सेव करके रखिए, आपका लाइफ टाइम तक सेव रहेगा, जब तक आपके पास ईमेल आईडी रहेगा, जब तक आप अपने ईमेल आईडी में लॉगिन हो सकते हैं तब तक, ठीक है। तो आशा करता हूं जो भी मैंने आपको जानकारी दी हूं सब कुछ आपको समझ आ गया होगा, वीडियो आपको लिए काफी हेल्पफुल काफी इंफॉर्मेशन लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए इस प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।